लगातार 2 साल की कड़ी मेहनत के दम पर गौरव को ये सफलता हासिल हुई है। गौरव को 720 में से 711 नंबर मिले और उनका ऑल इंडिया रैंक यानी कि 341 है। व्यवसायी दीपक अग्रवाल के बेटे गौरव डॉक्टर बनकर अपने दादा का अधूरा सपना पूरा करना चाहते हैं। गौरव अग्रवाल से खास बातचीत की हमारे सहयोगी मुकेश सिंह बैस ने। नीट की परीक्षा में जांजगीर के गौरव अग्रवाल ने छत्तीसगढ़ में टॉप किया है। हमारे साथ गौरव अग्रवाल हैं, सीधे उनसे जानते हैं कि किस तरह से उन्होंने इस परीक्षा की तैयारी की तब जाकर ये सफलता मिल पाई। मैंने ये परीक्षा की तैयारी 2 साल से की है। 11th 12th ऑनलाइन कोचिंग ली थी और हाई स्कूल से CGE बोर्ड लिया था मैंने, और बस रेगुलर पढ़ता था, टॉपिक टारगेट बनाता था कि इतना पढ़ना है मेरे को, तो टारगेट के हिसाब से चलता था, टारगेट रोज का पूरा करता था, बस कल के पेंडिंग नहीं डालता था मैं। अभी आपका क्या रैंक आया है, कितने नंबर? मेरे 711 मार्क्स आया 720 में नीट में, और मेरी रैंक 341 आई है ऑल इंडिया रैंक, और छत्तीसगढ़ में रैंक फर्स्ट आई है मेरी। क्या कहेंगे आप जो है तैयारी कितने सालों से कर रहे थे, और आजकल जो सोशल मीडिया का एक ट्रेंड है, आपने क्या उसका उपयोग किया अपने स्टडीज़ के लिए, किस तरह से तैयारी? मैं सोशल मीडिया का यूज़ ही नहीं किया मैंने, मतलब मेरा पहले से ही था मोटिव कि पढ़ना है तो पढ़ना है, मतलब कितने डिस्ट्रैक्शन आते थे मोबाइल में सारे मैंने ब्लॉक कर दिए थे, मतलब फेसबुक छुआ नहीं 2 साल से, इंस्टाग्राम भी मैंने नहीं छुआ, ना मैंने कोई भी जो इधर उधर का आजकल सोशल मीडिया ऐप्स निकल गए हैं, मैंने सिर्फ पढ़ाई में फोकस रखा। व्हाट्सअप भी मैं अपने सर से डाउट पूछने के लिए यूज़ करता था, बाकी कोई चैट वैट नहीं किया मैंने आज तक किसी से। एक नीट की आपने सफलता हासिल की है, डॉक्टर बनने का आपका एक सपना है, क्यों डॉक्टरी फील्ड आपको अच्छा लगा? मतलब मेरे दादाजी का सपना था कि उनको एक डॉक्टर बनना था, तो मुझे लगा कि अब मेरे घर में तो वो अभी कोई डॉक्टर है नहीं, जैसा कि एक डॉक्टर मेरा बनना ही है आगे कुछ, तो डॉक्टर बनते हैं, देश का सेवा भी कर लेंगे, देश की उन्नति में कुछ अपना भी भाग दे देंगे दे सके तो। इस पूरे 2 साल में आपने पढ़ाई की, इस दौरान घर वालों का किस तरह से सपोर्ट रहा आप लोग? घर वालों का बहुत सपोर्ट रहा, मतलब मैं जब टेस्ट देता था मेरे घर वाले कभी मेरे को कभी डिस्टर्ब नहीं किए, मैं जब पढ़ाई करता था घर वाले कभी डिस्टर्ब नहीं करते थे, मेरी दीदी लोग ने मेरे को बहुत मोटिवेट किया, मेरी दो बड़ी दीदी है, वो दोनों ने, मैं जब भी टफ टाइम आता था कि मैं रिपोर्ट पढ़ूंगा मन नहीं करता था, तो उन्होंने मोटिवेट करते थे कि तू तो रैंक लाएगा भाई पढ़ अच्छे से, उन्होंने बहुत मोटिवेट किया मेरे को। जी देखिए, दादा का सपना था कि घर से एक डॉक्टर हो, उस सपने को पूरा करने के लिए पोता जो है उन सपने को साकार करने के लिए निकल पड़ा है, और छत्तीसगढ़ में उसने नीट की परीक्षा में टॉप किया है। मुकेश सिंह बैस, IAS 24/7, जांजगीर चांपा।